अरे टाटा स्टील की, तो मैंने कल ऑलरेडी इसका चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके रखा था एंड मैंने कल बताया भी था, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है या इस वाली लाइन को ब्रेक करता है देन हमें इसमें अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड आज मिला भी अराउंड 2 से 3% की तेज़ी हमें स्टॉक में देखने को मिली। अब फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी बनती है स्टॉक में, देखिए अपॉर्चुनिटी ये है कि अप ट्रेंड दिखाएगा ऑलरेडी, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो ये उसको भी ब्रेक कर चुका था, ब्रेक कर चुका है या फिर उसी पर ये स्टैंड कर रहा है। अगर हम बात करें इसका जो 105 का जो लेवल था ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एंड ये उसको ब्रेक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये कल के दिन हमें डाउनवर्ड ट्रेंड में देखने को मिलता है 105 से नीचे, तो हमें इसमें सेलिंग बनानी होगी बिकॉज ये उसका एक फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा इस स्टॉक का। एंड अगर ये अपसाइड ट्रेंड दिखाता है देन और ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है द 1 आवर फ्रेम, तो ये कहीं ना कहीं हमें अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है एंड इसमें बहुत ही अच्छी तेज़ी भी हमें देखने को मिल सकती है इन द अपकमिंग फ्यूचर। टाटा स्टील का स्टॉक बहुत ही भरोसेमंद स्टॉक है, अलॉन मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट बना के रखा है, तो आप भी कहीं ना कहीं स्टॉक को बाय कीजिए। बट ध्यान रखिए कि अगर गिरता है स्टॉक तो डिप ऑन बाय भी हमें करना है, बाय ऑन डिप सॉरी। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अपना बना के रखें, कैपिटल को इस तरह से यूज़ करेंगे, अगर गिरता है तो 10% कैपिटल से हमें इसको बाय करना है, बाकी कैपिटल अभी स्टोर रखिए बिकॉज स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। बाकी आने वाले टाइम में इसमें हमें कल के दिन ही आप देखेंगे कि मूवमेंट अपसाइड को दिखाएगा अगर मार्केट की कंडीशन ठीक ठाक रही तो।